खबर आ रही यूपी के झांसी जिले से, जहां ग्राम सभाओं में चुनावी मंथन किया जा रहा है। जी हां, खबर यूपी के झांसी जिले के थाना ककरवई से, जहां ग्राम बरमाइन घटियारी खरवाच को 5 मार्च से बीजेपी कार्यकर्ता ग्राम सभा स्तर पर बैठकें कर रही है, जिसमें लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही है। ग्रामों में हुए भ्रष्टाचारों के बारे में जब रिपोर्टर भरत सिंह सेंगर ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, लोगों से जानकारी मिल रही है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी व प्रधान बच नहीं सकते। 10 मार्च से 18 मार्च तक ग्राम चौपालों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें बीजेपी के दिग्गज होंगे शामिल। गांव की बैठकों में सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों का बैठकों में रहना होगा अनिवार्य। सरकार कृषि कानून के साथ ही बीजेपी की 4 साल की उपलब्धियों को गिनाएगी। फास्ट न्यूज इंडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रही है और उठाते रहेगी। देखिए भरत सिंह सेंगर की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। अशोक कुमार तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। आज आप ग्रामों का भ्रमण कर रहे हो, किस उद्देश्य से? ये जिला पंचायत के चुनाव इसी संबंध में बैठक कर रहे हैं। खरवाच में भी घटियारी करके आए, इसी संबंध में सब लोग जागरूक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बता रहे, आवास, शौचालय, सड़कें, प्रधानमंत्री हमारे पूछ से कर उठा था, माननीय विधायक जी ने सड़कें बढ़िया बनवा दी, सरकार की योजना ये बता रहे सब लोगों को। और गाँव का क्या देख रहे हैं, जैसे आवास वगैरह? हाँ, जब किसी के आवास के अगर किसी के नहीं आए पैसा अभी खाते में, और पहली किस्त जारी हो गई, कुछ लोगों गिर चुके और दूसरे लोग जो बन रहे अभी बीम तक बन जाएंगे, इसके बाद दूसरी किस्त गिरने वाली है। यही सरकार की बताइए। इसमें दो चीज़ें और आ रही कि जो उसके पात्र हैं उनको नहीं मिल रहे, ना पात्र लोगों को मिल रहे, इस पर क्या है? आपको ये खबर सूचना मिली होगी कि या मिली सूचना? ये अधिकारी लोग आ रहे शिक्षक वगैरह, जैसे किसी कच्चा मकान की सर्वे कर रहे, सर्वे के आधार पर जिन लोगों के आ रहे उन लोगों के हो रहे हैं। कई गाँव से समस्याएं सुनने को मिल रही कि उनको शौचालय नहीं है, जब कोई बिल्कुल पात्र हैं उसके। इसके लिए माननीय विधायक जी तत्काल सचिव को फोन कर रहे हैं, गांव दोबारा जांच करा रहे हैं, इसका स्थलीय से निस्तारण हो रहा है। आपका नाम? नाम माधव सिंह पंजाब लटिया। आप किस पोस्ट पर हैं? सर, सेक्टर सर। आप लोग सब ग्रामों का भ्रमण कर रहे हैं? हाँ, भ्रमण कर रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं, मतलब कि अपने जो है सरकार की उपलब्धियाँ भी बता रहे, और जिनके नई आवास आए, जो अपात्रों के आवास पात्रों को मिल गए, पात्रों के अपात्रों को उल्टे सीधे सब प्रधानों ने किए, उनके बारे में हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, गांव में बैठ के बैठक कर रहे। और अब इन पर कार्रवाई क्या होगी, जो मान लो पात्र लोगों को तो नहीं मिले, ना पात्र को मिल गए, अब उनसे कैसे बचोगे? ऐसा है, उन पर कार्रवाई होगी यदि वो लोग चाहें कि इनको अपात्रों को मिले, जो पात्र लोग हैं भी अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उनकी जांच होगी। ऑब्जेक्शन लगाने वाले तो लोग बहुत हैं। हाँ, तो बस वो जब तक वो नहीं लगाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। अगर वो ऑब्जेक्शन, इनका कैसे रुकवाएंगे जो अभी आने शुरू हो गए? नहीं, वो तो जो आने शुरू हो गए अगर नाम लिस्ट में आ गया वो तो आ रहे हैं, लेकिन वो पात्र नहीं है। वो पात्र नहीं है, अब उनका कैसे रुकेगा? अब उनके लिए कुछ किया जाएगा, भाई सचिव है, प्रधान है, इनके माध्यम से ये सब सब वोटों के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन जो जाए उनको मिलना चाहिए, पता चलेगा उनको।